हेलो, आई एम कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। तो जैसा कि मैं आपको बोला था, पॉलिटी क्लास में शुरू करूँगा। और पॉलिटी में सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। टॉपिक इसका भारतीय संविधान का विकास सबसे पहला टॉपिक लूँगा। और इसके बारे में हम लोग सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको लगभग हर एक एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। और ख़ासकर मेरा ये मकसद है इस सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, कंटिन्यू चलेगा ये वाला सीरीज, जिसमें आपको BPSC और उसके बाद SI का एग्ज़ाम, आगामी जितने भी एग्ज़ाम होगा उसमें सब में ये काम आएगा। क्योंकि मैं टू द पॉइंट इस पे डिस्कस किया करूँगा बोर्ड पे, तो आप लोग कृपया बने रहें। और देखते हैं कि जैसे भारतीय संविधान का विकास दो चरणों में होता है। पहला होता कंपनी के शासन के अधीन, दूसरा होता सम्राट अर्थात क्राउन के अधीन। तो अब कंपनी बोले तो इसका मतलब ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए, वो व्यापार करने के बाद वहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर देती है। तो उसी के अधीन जब ये कंपनी था, तब कौन कौन सा वो नियम अधिनियम आया था उसके बारे में यहाँ पे पूरा चर्चा किया गया है। और जब सम्राट ने पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लिया, तो उसके बाद कौन कौन सा शासन अधिनियम आए, तो इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी, जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, पूरा कैसे अंग्रेज़ यहाँ पर, अंग्रेज व्यापार करते करते यहाँ पर उन्होंने शासन करना शुरू कर देते हैं। 1600 के आसपास इसका स्थापना होता है। और यहाँ पे वो व्यापार करने जिस समय आती है, उस समय यहाँ पे जो केंद्रीय सत्ता था वहाँ पे मुग़ल शासन था। और जब मुग़ल शासन यहाँ पे था, उस समय कंपनी काफ़ी एक नियमित रूप से हर जगह जा रही थी। वो अपना धीरे धीरे फैक्ट्री वगैरह खोल रही थी। फैक्ट्री मतलब वो व्यापारिक फैक्ट्री हो रहा, कोई कारखाना वगैरह नहीं। और जैसे मुग़ल कमज़ोर हुए, औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और मुग़ल शासन धीरे 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 आंतरिक उसका कमजोरियां आने लगती है। और वहाँ पे इसी का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी को मौका मिलता है और आने वाले समय में दो इम्पॉर्टेंट युद्ध भी लड़ते हैं, जिसे आपने सुना होगा, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर के 1764। इस युद्ध में मुग़ल सेना पराजित हो जाती है। और पराजित होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि में कंपनी को बिहार, उड़ीसा, बंगाल का पूरा, उस बंगाल का पूरे यहाँ एरिया को उसको दीवानी शक्ति अधिकार प्राप्त हो जाता है, या शक्ति प्राप्त हो जाता है, जिसमें यहाँ से पूरा वो राजस्व टैक्स को संग्रहण कर सकता था, एक तरह का वहाँ का पूरा टैक्स वसूल सकता था। ये काफ़ी उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसी तरह वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती गई और यहाँ पर वो अपना वर्चस्व बनाती गई। इसी को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने देखे कंपनी भारत में किस तरह एग्रेसिव होकर यहाँ पर शासन की ओर बढ़ रही है, तो इसी पे नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए समय समय पर अधिनियम चार्टर वगैरह के द्वारा अपना नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर देती है। और जो शुरुआत 1773 से शुरुआत होती है और 1858 में फाइनली उसका पावर ख़त्म करके खुद सम्राट अर्थात क्राउन अपने अंदर शासन, भारत का शासन ले लेता है। फिर 1858 से लेकर 1947 तक खुद क्राउन सम्राट का यहाँ पर शासन रहता भारत में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो इसमें प्रावधान किया गया था, एक एक करके से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, फिर 1886 का अधिनियम देखेंगे। सेम इसी प्रकार एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और फाइनली यहाँ आते आते 1947 में ये वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। फिर इसे कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट था, तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट करें तो सबसे पहले इसमें आपको एक नंबर फर्स्ट पॉइंट किया जाए तो इसमें बंगाल का गवर्नर, इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनता है उनका नाम होता है वारेन हेस्टिंग। फिर दूसरा प्रावधान देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और तीन अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होते हैं सर एलिजा इम्फेव। ये आपका दूसरा प्रावधान हो गया। तीसरा प्रावधान का अगर हम बात करें तो इसमें एक तरह के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ से शुरू होती है। अर्थात जिस तरह तीन प्रांत जैसे था मद्रास, बम्बई और बंगाल,
तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर को ला दिया। अर्थात कहीं कहीं जो पावर था वो धीरे धीरे सेपरेट करके एक गवर्नर को अर्थात गवर्नर जनरल के पास जा रहा था। तो केंद्रीकरण का पहला प्रवृत्ति यहीं से शुरू हो जाती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो गया, पहला आपका हो गया बंगाल के गवर्नर के बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा आपका हो गया 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होते हैं, जिसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर एलिजा इम्पे होते हैं और तीन अन्य मुख्य अन्य न्यायाधीश होते हैं। और तीसरा हमने बताया कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्थात बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ अब बंगाल और मद्रास में जो कुछ भी नियम कानून बनेंगे उसके लिए उसको कहीं ना कहीं इनको मान्यता लेना पड़ जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल से, तब जाकर कुछ आगे नियम कानून जो भी होगा अपना रूल रेगुलेशन वो बना पाएंगे। ये केंद्रीकरण हो गया। चौथा आप अगर पॉइंट इम्पॉर्टेंट अगर एक चर्चा करें तो चौथा आपका हो गया, इसमें यह प्रावधान किया गया था 1773 का, हम लोग बात कर रहे हैं चार पॉइंट के बारे में फिलहाल। चौथा यह हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार लेने पर मना कर दिया गया था, प्रतिबंधित लगा दिया। अर्थात देखा जाए तो वो रिश्वत का काम जो होता था उसको कहीं ना कहीं वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग 1773 में जो तीन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तीन चार, वो हम लोग चर्चा कर लें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना होगा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। प्रथम गवर्नर बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। फिर दूसरा हम मैंने बताया था 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है और उस उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर एलिजा इम्फे होते हैं और उनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था जैसे इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्थात स्थापना हुआ, एक तरह शुरुआत कहा जाए तो शुरुआत यहाँ पर हुआ। अर्थात बम्बई मद्रास के जो गवर्नर थे वो कहीं ना कहीं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, अर्थात केंद्रीकरण की नींव यहीं से पड़ जाती है केंद्रीकरण की नींव। और चौथा मैंने बताया जैसे कंपनी के जो कर्मचारी थे उसे निजी व्यापार करना, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और साथ में किसी भारतीय के साथ वो कोई उपहार नहीं ले सकते थे। तो इस तरह इसमें आपका चार पॉइंट समाप्त होता है। तो कल हम लोग आगे बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट बात करेंगे और 1886 का अधिनियम। हम लोग वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे। तो कल हम लोग फिर से शुरू करेंगे 1773 या नेक्स्ट वीडियो में 1773 से लेकर कोशिश करेंगे नेक्स्ट का जहाँ तक हम लोग बढ़ सके 5-7 मिनट का वीडियो बनाया करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।